Very good morning to all my dear students. In the last class, we have discussed about the basic concept of electrostatics, and uh, we also discussed about the what, what is the electric charge and uh, what is the basic property of electric charge and how we distinguish how we differentiate the two kind of charges is that means the positive charge and the negative charge, And then we discuss uh, about the three types of uh, materials which are conductor, insulators.

जब हमने क्या किया था कि नहीं दो मटेरियल्स दो ऑब्जेक्ट को आपस में क्या किया था रबिंग की थी हमने तो रबिंग करने पर आपस में रगड़ा था हमने तो रब किया था तो हमने क्या देखा था कि एक बॉडी पर किसी एक टाइप का चार्ज आता है तो दूसरी बॉडी पर किसी दूसरे टाइप का चार्ज जनरेट होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ग्लास रॉड है तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होती है वेर द सिल्क मटीरियल इज नेगेटिवली चार्ज ठीक है ना एंड सिमिलरली एबोनेट रॉड को जब हम कैट्स फर के साथ रब करते हैं तो एबोनेट रॉड गैट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्राम द कैट्स फर दैट मीन्स द एबोनेट रॉड गैट्स नेगेटिवली चार्ज वेयर इज द कैट्स फर विल पॉजिटिवली चार्ज ठीक है ना तो अब हम फ्रिक्शन नहीं कर रहे हैं अब हम दूसरा मेथड यूज में ले रहे हैं वो है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन तो नेक्स्ट वन जो चार्ज करने का तरीका है हमारा मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन अब चार्जिंग बाय इंडक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन इंडक्शन का मीनिंग है कि हमें क्या करना है कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उन दोनों ऑब्जेक्ट को हमें आपस में फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं लाना है हम क्या करेंगे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज है दैट मीन्स ये हमारे पास जैसे सपोज इट इज अ चार्ज ऑब्जेक्ट या चार्ज बॉडी ये कोई मान लो एक चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी को जब मैं न्यूट्रल बॉडी के पास में ले जाऊंगा न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल बॉडी दैट मीन्स इन विच द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल तो जब मैं इस चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में ले जाता हूँ तो हम क्या देखते हैं कि इस न्यूट्रल बॉडी की जो ये वाली जो सरफेस है जो कि उस चार्ज बॉडी के पास में ये वाली सरफेस ये वाला एरिया तो इस एरिया पर ऑपोजिट टाइप का चार्ज जनरेट होता है और जो फर्दर साइड है उस फर्दर साइड पर आ, दूसरे टाइप का चार्ज क्या होता है जनरेट होता है जिसको अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो चार्जिंग बाय कंडक्शन तो चार्जिंग बाय कंडक्शन को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन तो इट इज अ मैकेनिज्म इट इज अ मैकेनिज्म इन विच इन विच जनरेट वी जनरेट द ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज वी जनरेट द ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज ऑन द सर्फेज

अनचार्ज ऑब्जेक्ट वैन वैन वी वैन वी प्लेस और ब्रॉडक्लोज ब्रॉडक्लोज एनी चार्ज बॉडी एनी चार्ज बॉडी ठीक है ना अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज बॉडी है और उस चार्ज बॉडी को हम किसी अनचार्ज बॉडी के पास में ले जाते हैं वी, आ, वी प्लेस या क्लोज वी प्लेस एनी चार्ज बॉडी नियर टू एनी चार्ज बॉडी नियर टू अनचार्ज बॉडी नियर टू अनचार्ज नियर टू अनचार्ज बॉडी ठीक है ना तो क्या होता है ऑपोजिट काइंड के चार्ज जनरेट होते हैं किस कहां पर अनचार्ज बॉडी पर ठीक है ना तो वहां पर हमने चार्ज को जनरेट किया लेकिन चार्ज को जनरेट कैसे किया विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट किन्नी भी दो बॉडी के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं था सपोज ये हमारे पास एक मेटेरियल है रॉड है मान लो इस रॉड पर चार्ज है ये एक कोई दूसरी रॉड है इस पर कोई भी चार्ज नहीं है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है अगर मैं इस रॉड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी के पास में ले जाता हूँ थोड़ा पास में ले जाऊँगा तो हम क्या होगा इस बॉडी के सरफेस के जो नियरर सरफेस है जो पास वाली सरफेस है यहाँ पर अपोजिट काइंड के चार्ज जनरेट होते हैं एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन तो इट इज अ मैकेनिज्म और फिनोमिना इन विच वी जनरेट द अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ एन चार्जड ऑब्जेक्ट और बॉडी वैन वी प्लेस एनी चार्ज बॉडी नियर टू अनचार्ज बॉडी ठीक है ना तो अब इसको हम ए, ए, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम्पल लेते हैं सपोज कि यह हमारे पास एक कोई इस्फेरिकल बॉडी है और इस्फेरिकल बॉडी को हमने क्या किया एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है और ये जो स्फेरिकल बॉडी है ये कंडक्टर कंडक्टर बॉडी है एक स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी जो कि अभी क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है डैट मीन्स इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज हैं तो इस पर कोई भी एक तरह के चार्ज का एक्सेसन नहीं है ठीक है ना अब हम क्या करते हैं अगर हमारे पास एक ग्लास रॉड है जिसको हमने सिल्क क्लोथ के साथ में रब किया हुआ है तो उस ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज अगर मैं इस ग्लास रॉड को इस अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के पास में ले जाता हूं ठीक है ना तो क्या होगा इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है इक्वल जैसे मान लो सपोज इसके अंदर पांच पॉजिटिव चार्ज है तो पांच ही क्या है नेगेटिव चार्ज दैट मींस ये पूरा का पूरा स्फेयर जो है वो क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ठीक है ना तो जब मैं इस पॉजिटिव ग्लास रॉड को जो कि ये है चार्ज बॉडी ये है अनचार्ज बॉडी ठीक है ये चार्ज चार्ज्ड जो ग्लास रोड है इसको मैं अगर मैं इसके पास में ले जाता हूँ तो हम क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि ये जो नियरर सरफेस है जो कि इस ग्लास रोड के पास वाली जो सरफेस है इस सरफेस पर ऑपोजिट काइंड का चार्ज जनरेट होता है मतलब कि इस सरफेस पर सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आके क्या हो जाएंगे कलेक्ट हो जाएंगे और ऑपोजिट चार्ज कहाँ चले जाएंगे मतलब कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे इसके फर्दर एंड पे चले जाएंगे क्यों क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये जो न्यूट्र बॉडी है इस बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे उस नेगेटिव चार्जेस को अपनी और क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार्जेस का क्या हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इज क्लम कम क्लोज टू द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड वेयर एज द ऑल द पॉजिटिव चार्ज will appear on the further side of a glass conductor of a spherical uh, spherical conductor ठीक है ना अब हमें क्या करना है यहाँ पर हमारा motive क्या है हमारा objective ये है कि ये जो neutral body है इस neutral body को हमें क्या करना है charge करना है लेकिन अभी ये charge नहीं हुई है क्यों क्योंकि इसके अंदर जितने पॉजिटिव है उतनी अभी भी नेगेटिव है लेकिन उन चार्जेस का सिर्फ क्या हुआ है redistribution हुआ है मतलब अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल है क्योंकि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो प्लस का पाँच माइनस का पाँच क्या मिल जाएगा हमें वापस जीरो मिल जाएगा तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाली जो साइड है जहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है इस वाली साइड को हम क्या करते हैं ग्राउंड कर देते हैं तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि ये हमारे पास कंडक्टर uh, स्फेयर जिसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है अब इस इंसुलेटिंग स्टैंड पर क्यों रखा है कि ये जो चार्ज है ये ग्राउंडेड नहीं हो ये सारा का सारा अर्थ में न चला जाए इसलिए हमने यहां पर इसको क्या किया इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं ग्लास रॉड को हमने एज इट इज पोजिशन पे रखा जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी और यहां पर नेगेटिव चार्ज अपियर हुआ था अब लेकिन ये वाली जो फर्दर एंड है इसको हमने यहां पर क्या कर दिया ग्राउंडेड कर दिया तो इसको ग्राउंडेड करने से क्या होगा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से आएंगे और ये सारे पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या हो जाएंगे मिक्सअप तो यहाँ पर जैसे मान लो सपोज़ पांच पॉजिटिव चार्ज है तो पांच इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव को साथ मिलकर यहाँ इस सरफेस को क्या कर देंगे न्यूट्रल कर देंगे या अगर हम किसी अदर लैंग्वेज में कहें तो दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज साले किस में फ्लो हो जाएंगे अर्थ तो में फ्लो हो जाएंगे ठीक है तो ये वाली जो सर्फेस है वो अब क्या हो गई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गई लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अभी भी जो ये आ, ग्लास रोड के पास वाली जो सरफेस है यहाँ पर रिमेन्स रहेंगे क्यों रहेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी भी क्या है फोर्स लग रहा है तो अब हमने क्या किया आ, ये वाला हटा दिया हमने आ, ग्राउंड को भी हटा दिया और इस ग्लास रोड को क्या करूँ इस इस आ, जो कंडक्टर स्फेयर है इससे इस थोड़ा दूर लेके चले जाऊं तो दूर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा ये इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक हो जाएगा और अट्रैक्शन फोर्स वीक होने के कारण ये एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा रिपेल करेगा तो ये सारे सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हुए क्या होंगे इस पूरे कंडक्टर इस फेयर की सरफेस पे क्या हो जाएंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो दैट मीन्स अगर हमने क्या किया अब हमने ग्राउंड भी हटा दिया और ग्लास रॉड को भी रिमूव कर दिया यहाँ से तो ग्लास रॉड को रिमूव किया तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे और रिपेल करते हुए वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे दूर हो जाएंगे क्यों क्योंकि रिपल्जर है तो रिपल्जर होते जितने दूर जा सकते हैं उतने हो दूर चले जाएंगे और दूर होते होते पूरी ये जो सरफेस है पूरी जो एंटायर सरफेस है उस एंटायर सरफेस पे क्या हो जाएंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दैट मीन्स हमने क्या किया देखो यहाँ पर पहले जो लिया था कंडक्टर हमने स्फेरिकल कंडक्टर वो था अनचार्ज लेकिन फाइनली हमें जो स्फेरिकल कंडक्टर मिला उस पर कैसा चार्ज है नेगेटिवली नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स हमने क्या मिला नेगेटिवली हमें मिल गया नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर मतलब हमने एक अनचार्ज कंडक्टर लिया था इनिशियली और उसको कैसा चार्ज से हमने चार्ज कर दिया नेगेटिव चार्ज से चार्ज कर दिया ठीक है ना तो ये जो मेथड है इस मेथड में देखो हमने कहीं भी जो दो ऑब्जेक्ट है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी हमने फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं किया है उनको आपस में टच नहीं किया है लेकिन बिना टच के भी हमने क्या किया एक बॉडी पर कुछ आ, कुछ टाइप के चार्ज को हमने क्या किया है जनरेट किया है तो ये जो मेथड है इस मेथड को बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन ठीक है ना तो चार्जिंग बाय इंडक्शन दैट मीन्स नो कॉन्टेक्ट यहां पर कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होगा बॉडी के बीच में ठीक है ना अब जो हमारा थर्ड मेथड था जैसा कि हमने कहा था कि कोई भी जो बॉडी है उस बॉडी को हम तीन डिफरेंट तरह के मेथड से चार्ज कर सकते हैं सबसे पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड थर्ड चार्जिंग बाय चार्जिंग बाय कंडक्शन और थर्ड था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन कंडक्शन बहुत ईजी है कंडक्शन में सिंपल से क्या करना है आपको तो चार्जिंग बाय कंडक्शन चार्जिंग बाय कंडक्शन तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमें क्या करना है सिंपल हमें एक अनचार्ज बॉडी है ये न्यूट्रली ये न्यूट्रल बॉडी है मतलब कि इनिशियली अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है ये और जब मैं इस अनचार्ज अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है मान लो ये आपके पास और प्लेस्ड ऑन अ इंसुलेटिंग स्टैंड और जब हम इसको चार्ज ग्लास रॉड को इसके साथ में टच करते हैं मतलब कि हमने एक ग्लास रॉड ली जिसको सिल्क क्लोथ के साथ रब किया हुआ है तो इस ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज और जब इस ग्लास रॉड को मैं इस अनचार्जड स्फेरिकल कंडक्टर्स के साथ क्या करता हूँ कॉन्टेक्ट में लाता हूँ टच करता हूँ तो ये जो चार्ज है इसका ये चार्ज पूरा किस में ट्रांसफर हो जाएगा इस अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर तो दैट मीन्स दैट यहाँ पर क्या होगा चार्ज का ट्रांसमिशन होगा और चार्ज के ट्रांसमिशन के कारण ये जो बॉडी है ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है वो क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा ठीक है ना तो ये हमारा सिंपल सा मेथड है कि हम हमें क्या करना होता है इस मेथड के अंदर एक चार्ज बॉडी लो और एक लो अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी को जब हम अनचार्ज बॉडी के साथ में कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो कॉन्टेक्ट करने पर क्या होगा चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों में इक्वल अमाउंट में चार्ज फ्लो हो जाता है मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे तो दैट मीन्स दोनों बॉडी क्या हो जाएगी फाइनली चार्ज हो जाएगी पहले ये तो चार्ज थी ये अनचार्ज थी लेकिन इस पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा ठीक है ना दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे मान लो ए है बॉडी और ये है बॉडी बी जो बॉडी ए है वो है सपोज पॉजिटिवली चार्ज और जो बॉडी बी है वो है न्यूट्रल वो है न्यूट्रल लेकिन जब हमने इनको आपस में टच किया फिजिकल कॉन्टेक्ट में लाए तो मान लो इसके पास मान लो टेन पॉजिटिव चार्ज है तो टेन अगर मान लो यहाँ पर टेन पॉजिटिव चार्ज है तो पांच पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएंगे और पांच पॉजिटिव चार्ज बी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे दैट मींस जो दोनों बॉडी है फाइनली इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज में क्या हो जाएगी इलेक्ट्रीफाइड चार्ज हो जाएगी तो ये हमारा होता है सिंपल सा चार्जिंग बाय कंडक्शन ठीक है ना तो तीन तरह के मेथड हमने पढ़ लिए हैं एक तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन ठीक है तो अब हम आते हैं आ, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा ठीक है जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज इज अंटिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटीरियल ड्यू टू विच इट कैन रेस्पॉन्ड और फील अ फोर्स ऑफ फील अ इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कि कोई भी बॉडी किसी अदर चार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकती है और उस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर सकती है फील भी कर सकती है तो वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था इलेक्ट्रिक चार्ज अब इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है ना तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की तो एक तो है एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज सेकंड हम प्रॉपर्टी डील करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थर्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक और प्रॉपर्टी है वो है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज ठीक है ना तो हम वन बाय वन अब बेसिक प्रॉपर्टीज है जो इलेक्ट्रिक चार्ज की उसको डिस्कस करते हैं एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इन वेरियंश ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी में एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज एडिक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अब एडिक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है द एडिक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट्स डेट इट इट स्टेट्स डेट टोटल टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज अ एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस एल्जेब्रिक इंडिविजुअल चार्जेस सिंपल सी है क्या कह रही है ये प्रॉपर्टी इट स्टेट्स डेट द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज है इज़ अ एल्जेब्रिक सम इंडिविजुअल चार्जेस ठीक है ना मतलब जैसे सपोज इट इज़ अ बॉडी एक कोई बॉडी है मान लो इस बॉडी के अंदर जो चार्जेस हैं वो है मान लो प्लस क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री एंड प्लस क्यू फोर ठीक है ना तो इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है मतलब कि सिग्मा क्यू सिग्मा क्यू व्हाट इज सिग्मा क्यू सिग्मा इज अ टोटल द सम ऑफ चार्ज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑफ चार्ज इज अ सम इंडिविजुअल चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस इंडिविजुअल चार्ज कौन कौन से होंगे क्यू वन अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि जो साइन है चार्जेस का वो हमें एज इट इज रखना है अगर पॉजिटिव है तो उसके आगे पॉजिटिव आएगा और अगर नेगेटिव है तो उसके आगे नेगेटिव सिंबल आएगा ठीक है ना तो दैट मीन्स Q1 माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर तो ये इस बॉडी पर क्या होगा टोटल चार्ज होगा दैट मीन्स एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज है द टोटल चार्ज क्या होगा द एलिजेबलिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस ठीक है ना ये माइनस का है क्यू टू तो हमने आगे क्या प्लेस किया है माइनस माइनस साइन प्लेस किया ठीक है ना तो मतलब कहने का मतलब हुआ साइन कन्वेंशन जो है साइन कन्वेंशन इज ऑल्सो फॉलोड आपको साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए क्या है? करना है एलजेब्रिक सम करना है ठीक है ना माइनस का है तो माइनस आएगा प्लस है तो प्लस आएगा ठीक है ना सपोज कोई एक बॉडी है सपोज uh, ये कोई बॉडी है इस बॉडी पर सपोज ये कोई बॉडी है इस uh, बॉडी के अंदर एन वन इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन टू क्या है प्रोटॉन्स एन वन इलेक्ट्रॉन्स एंड एन टू क्या है प्रोटॉन तो इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा सिग्मा क्यू इज इक्वल टू अब देखो एन वन क्या है इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव दैट मीन्स माइनस एन वन एन वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन है ई e. तो हम ई e से भी क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव तो हमने प्लस लगा दिया एन टू एन टू एन टू पी बट वी नो दैट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज सेम एज चार्ज ऑन एन प्रोटॉन दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो सेम होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में ये होता है माइनस में और प्रोटॉन के केस में ये क्या होता है प्लस में मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की जो अमाउंट है चार्ज की क्वांटिटी सेम होती है तो दैट मीन्स इस पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ई e भी लिख सकता हूँ तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर पी को और इस पी की जगह क्या प्लेस कर देता हूँ ई e प्लेस कर देता हूँ क्यों क्योंकि पी लिखें चाहे ई e लिखें दोनों तो ई की बात है क्योंकि यहाँ पर डि, डिफ्रेंशिएट क्या हो रहा है अलग अलग क्या आ रहा है सिर्फ माइनस और प्लस साइन अमाउंट क्या है सेम है तो यहाँ पर हमें सिग्मा क्यों मिल जाएगा सिग्मा क्यू इज इक्वल टू ई कॉमन ले लिया हमने एन टू माइनस एन वन तो ये इस बॉडी पर क्या होगा टोटल चार्ज होगा तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन लो लेकिन साथ में माइनस सिंबल लो जितने प्रोटॉन हैं उतने लेने हैं आपको लेकिन साथ में पॉजिटिव साइन लेना है तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा किसी बॉडी पर ठीक है तो ये पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की जिसको हमने कहा एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज ठीक है नेक्स्ट हम लेते हैं जो सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है जैसा कि हमने अभी तक जो स्टडी किया था उस स्टडी में हमने क्या देखा था कि जब हम किसी भी दो बॉडी को आपस में रब करते हैं ठीक है ना तो ड्यू टू द रबिंग एक बॉडी क्या करती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है तो दूसरी बॉडी क्या करती है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करती है एक्वायर करती है ठीक है ना तो दैट तो मीन्स अगर किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आ, इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रांसमिशन किसका हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ठीक है ना तो दैट मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज इट स्टेट्स डेट चार्ज ऑन एनी बॉडी चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एन इंट्रीगल इज एन इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो कि क्या है आपकी दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ठीक है ना तो दैट मीन्स इट स्टेट्स डेट द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज़ एन इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते मैंने समझाया था ट्रांसमिशन किसका होता है ऑनली इलेक्ट्रॉन्स का तो किसी भी बॉडी पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है चाहे वो आ, पाँच इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने पर चार्ज हुआ है तो वो माइनस का फाइव ई होगा और अगर लूज़ करने के कारण हुआ है तो वो होगा प्लस का फाइव ई लेकिन यहाँ पर ई के साथ में क्या आ रहे हैं मल्टीपल आ रहे हैं पाँच छः चार जितने भी इलेक्ट्रॉन हमने लूज किए या एक्वायर किए दैट मीन्स अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें हम तो मैथामेटिकली इसको क्या लिख सकते हैं मैथामेटिकली मैथमेटिकली किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है Q, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का क्या होगा इंट्रीगल मल्टीपल तो इंट्रीगल मल्टीपल तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया एन से मल्टीप्लाई कर दिया वेयर एन इज़ इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन एन की वैल्यू क्या हो सकती है वन टू थ्री एंड सो ऑन तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला होगा जिसको हमें ध्यान रखना है ये फार्मूला बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी और आगे थ्योरी में भी काम आएगा टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ठीक है ना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को हमने किससे डिनोट किया ई e से ई e क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कुलाम। और एन इज अ इंट्रीगल मल्टीपल इंटीजर और इंटीजर की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कोई कुछ भी हो सकती है एंड सो ऑन तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ठीक है ना कि तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का क्या होता है इंटरीगर मल्टीपल Int होता है ठीक है ना अगर इसको हम किसी जैसे मान लो किसी दूसरे लैंग्वेज में समझाना चाहें तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमने किसी भी बॉडी को चार्ज किया तो मान लो सपोज उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए हैं या मान लो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में से चला गया और आधा रह गया ठीक है ना ये एक पूरी यूनिट है पूरा का पूरा अमाउंट या तो बॉडी में से जाएगा या बॉडी उसको क्या करेगी एक्वायर करेगी दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या थ्री बाई फोर्थ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और वन बाई फोर्थ रह गया ऐसा नहीं होता तो कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन या चार इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से किसी बॉडी पर क्या होता है चार्ज होता है दैट मीन्स एन यहां पर क्या है इंटीजर है और उस इंटीजर की वैल्यू वन टू तो थ्री फोर एंड सो ऑन हो सकती है ठीक है ना तो ये आपका हो जाए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ठीक है थर्ड थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है जैसा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है तो एनर्जी इज नाइदर बी किट इन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ये क्या होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है कन्वर्ट होती है सिमिलरली अगर किसी बॉडी के अंदर पांच इलेक्ट्रॉन आए हैं तो दूसरी बॉडी ने पांच इलेक्ट्रॉन क्या किए लूज किए हैं ठीक है ना तो दैट मीन्स पहले जितना चार्ज था दोनों बॉडी को मिलाकर उतना का उतना चार्ज सेपरेशन के बाद भी होगा दैट मीन्स यहां पर चार्ज क्या हो सकता है कंजर्व हो, होता है दैट मीन्स ये क्या कहता है इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड ना इधर बी क्रिएटेड क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉएड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ठीक है ना अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें तो हम यही कहेंगे इट स्टेट्स देर द चार्ज ना इधर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड क्यों क्योंकि जैसा हमने कहा था कि जैसे मान लो ये एक बॉडी है ये एक दूसरी बॉडी है इसको आपस में हमने रब किया तो रब करने पर मान लो आ, इसके पास है प्लस पांच ठीक है ना मतलब कि इसने पांच इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो इसके बाद टोटल चार्ज कितना आएगा प्लस का पांच लेकिन इसने पांच इलेक्ट्रॉन क्या किए एक्वायर किए हैं तो इसके बाद चार्ज कैसा आएगा माइनस का पांच ही और इसके बाद प्लस का पांच ही तो टो टोटल चार्ज वापस क्या मिलेगा हमें जीरो टोटल चार्ज वापस क्या मिलेगा जीरो जो कि इनिशियली था इनिशियली दोनों बॉडी क्या थी अनचार्ज मतलब इनके पास जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे इसके पास उतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे लेकिन जब हमने रब किया तो रब करने पर क्या हुआ जब हमने रबिंग की फ्रिक्शन किया तो एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और इलेक्ट्रॉन किस में आ गए इस वाली बॉडी में तो मान लो पांच इलेक्ट्रॉन इधर आए तो पांच इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी यहाँ हो गई तो यहाँ पर प्लस का पाँच जनरेट हुआ या माइनस का पाँच जनरेट हुआ दोनों को वापस ऐड किया तो वापस एलजेब्रिक्स समझिया मिल रहा है जीरो दैट मीन्स ये अभी भी बॉडी दो, दोनों को मिल दोनों को मिलाकर अभी भी टोटल चार्ज कितना है जितना पहले था तो दैट मीन्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है इसको हम बहुत, बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं जैसे मान लो एग्जाम्पल अगर लें हम तो आ, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन देखें न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर इन न्यूक्लियर रिएक्शन जो यूरेनियम 92 है यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास 238 पर हम जब न्यूट्रॉन की बम्बाडिंग करते हैं जब इस पे ऊपर न्यूट्रॉन गिराते हैं तो न्यूट्रॉन गिराने पर क्या होता है ये थोरियम में कन्वर्ट होता है थोरियम टी एच एटोमिक नंबर नाइन्टी और मास नंबर टू थ्री फोर ठीक है ना तो हम क्या देखते हैं कि ये यूरेनियम किस में कन्वर्ट होता है थोरियम के अंदर और साथ में एक एल्फा पार्टिकल दैट मीन्स हीलियम एटम रिलीज होता है दैट मीन्स हीलियम एटम रिलीज होता है और प्लस न्यूट्रॉन्स कुछ न्यूट्रॉन्स भी वापस क्या होते हैं इमिट होते हैं तो यहां पर देखो इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर पहले एटॉमिक नंबर कितना था मतलब कि नंबर ऑफ जो Uh, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन हम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे 92 टू यहां पर 90 प्लस टू कितने हो गए 92 टू दैट मीन यहां पर भी देखो चार्ज क्या है कंजर्वड चार्ज क्या है कंजर्वड है ठीक है ना तो दैट मीन्स ये एक एग्जाम्पल हो सकता है एक इसका एक और एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल है कि uh, जो गामा रे है जो गामा रे है वो गामा रे किन दो में डिप्लीट हो जाती है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इन दोनों को वो रिलीज कर देती है तो गामा पर चार्ज कैसा होता है न्यूट्रल गामा इज न्यू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो गामा न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव पॉजिट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव तो अभी भी देखो चार्ज दोनों को मिला कर क्या है जीरो तो दैट मीन वापस जह, जैसे गामा था गामा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो दोनों को मिलाकर वो क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो यहां ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि गामा किस किसमें स्प्लिट हो जाता है गामा रे स्प्लिट हो जाती है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये प्लस ई का मतलब यहां पर है पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या है पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक पार्टिकल का क्या होता है एक एंटी पार्टिकल होता है तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है पॉजिट्रॉन तो गामा किस में स्प्लिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर स्प्लिट हो जाता है तो ये भी एक चार्ज कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इनवेरियंस ऑफ चार्ज जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है हमारी इनवेरियंस ऑफ चार्ज अब इन वेरियंस ऑफ चार्ज क्या कहता है? देखो इन वेरियंस ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो चार्ज वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता ठीक है ना दैट मीन्स अगर मान लो सपोज़ ये कोई बॉडी है इट इज़ अ बॉडी ऑफ मास एम और इस पर चार्ज कितना है क्यू है सपोज़ ये बॉडी जब लाइट की स्पीड से हायर स्पीड में क्या करेगी मूव करेगी ठीक है तो लाइट लाइट की स्पीड से जब हायर स्पीड में मूव करेगी तो क्या होगा दिस uh, टॉपिक ये जो टॉपिक है इन वेरियंस ऑफ चार्ज ये इन वेरियंस ऑफ चार्ज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे ठीक है ओके तो ओके थैंक यू